नमस्कार दोस्तों, क्या आप आपके सपनों का घर देख रहे हो? तो आप सही वीडियो देख रहे हो। नमस्कार, मैं सागर पुणे प्रॉपर्टी गाइड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पिंपले सौदागर के एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट में 3 BHK फ्लैट देखने वाले हैं, वो भी फुल्ली फर्निश्ड। ये प्रोजेक्ट का नाम है ब्लूर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये जो प्रोजेक्ट है ये हार्डली 2-3 साल पुराना प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट डेवलपर है ये है यशदा डेवलपर्स। यशदा डेवलपर्स ये पिंपले सौदागर एरिया के बहुत ही अच्छे और नामचीने डेवलपर्स में जाने जाते हैं। तो चलिए हम प्रोजेक्ट देखते हैं। अमेनिटीज़ में हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे चिल्ड्रन प्ले एरिया है, गार्डन है, और ये सुंदर सा गणपति का मंदिर है। चलो अभी हम ये 3 BHK देखते हैं कि है कैसा। इसमें अभी हम हॉल देख रहे हैं। ये हॉल आपको एज इट इज देखो, ये सोफा सेट के साथ आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आप ऊपर आप देखोगे तो पूरा POP भी किया हुआ है। पूरा फर्निश बहुत ही अच्छी तरीके से ये किया हुआ फ्लैट है। इसमें आप हॉल को अटैच टेरेस है। ये सिर्फ हॉल को ही नहीं, आपको मास्टर बेडरूम को ही मिलेगा, यानी ये फ्लैट में आपको 2 टेरेसेस मिलेंगे। अभी देखते हैं ये किचन। ये किचन बहुत ही स्पेशियस है। ये हम अभी मैं डाइनिंग स्पेस के इधर ही बैठा हुआ हूँ। इसके अलावा आपको किचन में मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है, एक वाटर प्यूरिफायर भी मिलने वाला है, और किचन के साथ ये ड्राई बालकनी भी अवेलेबल है। अभी कॉमन बाथरूम में आप देखोगे तो कॉमन बाथरूम में इंडियन टॉयलेट दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं मास्टर बाथरूम। यहाँ पे सेपरेट कॉमन वॉशरूम की प्रोविजन भी की हुई है, और मैंने जैसे बोला कि आपका फर्निश अपार्टमेंट है तो आपको मिरर रहेगा, ये फर्नीचर वॉशरूम के इधर भी रहेगा, ये वॉश बेसिन के नीचे आपको प्रॉपर दिया हुआ है। आप देखोगे तो हर इसमें LED लाइट्स भी लगे हुए हैं। चलिए अभी हम देखते हैं मास्टर बेडरूम। चलिए अभी देखते हैं कि ये फ्लैट का मास्टर बेडरूम कैसा है। ये फ्लैट का मास्टर बेडरूम बहुत ही स्पेशियस आपको मिलेगा, कि जैसे मैंने बताया ये फुल्ली फर्निश है। तो आपको ये वार्डरोब, पीछे भी इंटीरियर, ऊपर साइड में पूरा फॉल सीलिंग किया हुआ है, उसके साथ में आपको बेड भी दिया जा रहा है। और इसका और एक पॉजिटिव पॉइंट ऐसा है कि ये बेडरूम के साथ आपको बड़ा टेरेस भी अवेलेबल है। अगेन ये फ्लैट में आपको 2 टेरेसेस मिलने वाले हैं। एक बालकनी जो है वो हॉल में है, और दूसरी है वो आपको मिलेगी ये मास्टर बेडरूम में। आप देखोगे ये मास्टर बेडरूम का जो बाथरूम है ये भी बहुत ही स्पेशियस दिया हुआ है। ये बाथरूम को भी ऊपर फॉल सीलिंग दिया हुआ है, उसके साथ में आपको एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ है। अभी हम हमारा गेस्ट बेडरूम भी देख लेते हैं। गेस्ट बेडरूम भी स्पेशियस प्रोवाइड किया हुआ है। गेस्ट बेडरूम के साथ में आपको ये मास्टर बाथरूम भी प्रोवाइड हो रहा है।
ये गेस्ट बेडरूम को भी पूरा फर्निश किया हुआ है, जिसमें आपको वार्डरोब और वार्डरोब के साथ में बेड का भी प्रोविजन किया हुआ है। अभी हम ये फ्लैट के टेरेस में खड़े हैं, बहुत ही स्पेशियस टेरेस यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। अभी थोड़ा और डिटेल जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं, जिसको मैं बोलता हूँ स्वॉट एनालिसिस, यानी कोई भी आप जो प्रॉपर्टी लेते हो तो वो इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर्टी में स्ट्रेंथ क्या है, वो प्रॉपर्टी का कुछ लोकेशन का वीकनेसेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है और आगे में भी क्या थ्रेड्स रहेंगे। तो इन शॉर्ट ये जो प्रॉपर्टी का नाम है ब्लूवुड सोसाइटी कॉरपोरेटिव लिमिटेड। ये फ्लैट हमारा वहाँ पे 3 BHK फ्लैट है, कि ये टोटल 2 विंग्स हैं, दोनों विंग्स हैं, ये अराउंड 7 स्टोरीज के 2 विंग्स हैं, विथ एमिनिटीज प्रोजेक्ट है। इसके स्ट्रेंथ में हम बात करेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन डेवलप कर किया हुआ है, ये यशदा डेवलपर ने डेवलप किया हुआ है। तो यशदा डेवलपर ये एरिया के बहुत ही अच्छे डेवलपर है, तो डेफिनेटली क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आपने देखा ही रहेगा। दूसरा इसका फ़ायदा है कि इसका कारपेट, ये 3 BHK जो है 950+ कारपेट में ये 3 BHK अवेलेबल है। तीसरा इसका है कि इसमें दोनों आपको टेरेसेस अवेलेबल है। चौथा उसका बेनिफिट ये है कि इसके बेडरूम साइजेस आर वेरी स्पेशियस, तो जो आपने देखे रहेंगे। चौथा इसका एक स्ट्रेंथ हम बात कर सकते हैं कि ये आपको फुल्ली फर्निश मिल रहा है एंड विथ आपको पार्किंग ये फ्लैट अवेलेबल है। सो ये हमारे ये फ्लैट की हम स्ट्रेंथ बात कर सकते हैं। वीकनेसेस में हम देखेंगे तो ये वीकनेसेस में ये जो आता है ये प्रोजेक्ट बर्ड वैली के आगे हम आएंगे तो काटे बस्ती करके एरिया है, वो ये एरिया में पिंपले सुधा करके आता है, तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा हमें अंदर आना पड़ता है। बट इसका और एक एडवांटेज ये है कि इसके थोड़ा आगे हम जाएंगे तो अभी एक स्पॉट 18 मॉल से जो BRT रोड टच है, एक बड़ा 45 मीटर रोड का काम चालू है जो ऑलरेडी 70% हो चुका है, तो वो कनेक्टेड हो गया तो ये हमारा सबसे प्राइम लोकेशन में आएगा। और थोड़ा अंदर होने का और एक फायदा ये है कि लोकेशन बहुत ही पीसफुल है। इसके अपॉर्चुनिटी में हम देखने जाएंगे तो जैसे मैंने बोला, एक बार ये रोड का कनेक्टिविटी यहाँ पे आ गया तो इधर के जो प्राइजेस हैं और थोड़े बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे ऑल सब ऑक्यूपेंसी जो है वो है, मैक्सिमम जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं ये IT बैकग्राउंड के यहाँ पे लोग हैं। हम थ्रेड्स में देखेंगे तो थ्रेड्स यानी अभी थोड़ा सा अंदर की साइड में ये आपको लग सकता है, बट इन फ्यूचर जैसे मैंने बोला रोड का काम होने के बाद ये प्राइम लोकेशन हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी का ये हमारा मैं SWOT यानी स्वॉट ये बता सकता हूँ। आपको ये प्रॉपर्टी के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या साइट विजिट ये प्रॉपर्टी का करना है तो दिए गए नंबर पर आप इसका अधिक जानकारी ले सकते हैं।